ओके, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई. क्वाइट ईजी, इतना मुश्किल काम नहीं है. मैट्रिसेस को सिर्फ प्लस करना है और माइनस भी आ सकता है इसमें. ठीक है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स में सेम है. अच्छा, अगर आपको ये वाली ब्रैकेट नज़र आती है ना, ये जो मैट्रिक्स के अलावा जो दूसरी ब्रैकेट है ये वाली, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. अब कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस. तो आपने ये दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर देना है, यानी 1 प्लस 0, ये 1 में 0 प्लस कर दिया, फिर 0 में 2 प्लस कर देना, फिर 0 में 3 प्लस कर देना, ये 0 प्लस 3, फिर 1 में 0 प्लस कर देना. ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी पहले ये सॉल्व हो गया यहाँ पे. प्लस अगली वैल्यू सेम एज इट इज 1 1 1 0. अब पहले इसका आंसर निकालो कितना आता है. 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1, प्लस सेम 1 1 1 0. अब आप इन दोनों को आपस में प्लस कर दोगे, यानी 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0. कैसे, ये 1 में 1 प्लस, 2 में 1 प्लस, 3 में 1 प्लस, 1 में 0 प्लस आ. अब इसका आंसर निकाल लें तो आंसर आएगा 2, 3, 4 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 1. सो ये इसका आंसर आ जाएगा. इस तरह से इनको सॉल्व कर, ये है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके अंदर जिस तरह कहा गया है वैसे ही सॉल्व करना है. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो बाकी वैल्यूज आएंगी उसी इनको प्लस का, प्लस का साइन होगा तो प्लस कर देना, अगर माइनस होता तो माइनस कर देना. ठीक है. अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट है. 1 2 3, 3 3 बाय 3 होगा इसका वो ऑर्डर होगा, इसका भी 3 बाय 3 ऑर्डर है. दोनों के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, तो प्लस करना है. ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1, ये वाला 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये क्या साइन है, माइनस वन प्लस टू, इसका क्या साइन है, प्लस 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3. सॉल्व कर दें इसको, कितना हो जाएगा 2 3 4, 1 1 1 1 1, कैसे हो गया, 2 में से 1 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 3 4 5. सो दिस इज आंसर. ठीक है, ये तो इजी था, ये इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स बी और सी. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए प्लस सी इज इक्वल सी प्लस ए. वेरीफाई, वेरीफाई मतलब कि इस वाली साइड को इस साइड के बराबर आंसर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. ए प्लस सी इज इक्वल किसके होना चाहिए, सी प्लस ए. अच्छा, कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने ए प्लस सी को सॉल्व करना. ए प्लस सी किसका नाम पहले है, ए मैट्रिक्स का. ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और इसमें प्लस कर देना है, किसको प्लस करना है, सी को. माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 और 1 1 3 1 1 2, और इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए इनको प्लस कर देना. पहले क्या लिखा हुआ है, 1 1 माइनस 1, माइनस क्यों हो गया, बिकॉज इट्स अ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. अब 2 प्लस 0 3 प्लस 0 3 में 0, अब 2 प्लस कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 1 प्लस 3, फिर आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2. इन मैट्रिसेस को आपने प्लस कर देना है. प्लस कीजिए, 1 में से 1 बाकी कितना बचेगा 0, 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 0 2 आ गया, 3 में से 2 बाकी 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2. सो ये इसका आंसर आ जाएगा, एक आंसर हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट आंसर ए प्लस सी का. अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे सी प्लस ए. नाउ आपने सी प्लस ए यहाँ लिख लेना है, पहले सी का मैट्रिक्स लिखना है. सी मैट्रिक्स माइनस 1 0 0, फिर 0 माइनस 2 3, और फिर उसके बाद 1 1 2, इसी तरह से तरतीब से. उसके बाद ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाली, अब कितना आएगा 1 2 3, फिर आएगा 2 3 1, और फिर आएगा 1 माइनस 1 और 0. ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया. अब बेटा इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर देते हैं. प्लस करते हुए आपने इन दोनों वैल्यूज में पहले माइनस का 1, ये वाला प्लस कितना होगा, प्लस का 1,
फिर आएगा 0 प्लस 2, बीच में गैप देना है क्योंकि सेकंड जब कॉलम शुरू करना है तो गैप होगा यहाँ पे, फिर आएगा 0 प्लस 3, फिर नीचे 0 प्लस 2, फिर आएगा -2 प्लस 3, फिर आएगा 3 प्लस 1, और फिर नीचे 1 प्लस 1, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा बिकॉज ये 1 और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और फिर आएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब इसका आंसर लिखो कितना आता है, कितना आंसर आता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे फिर कितना आएगा 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2। सो ये आंसर देखो सी प्लस ए का, और ये जो पहला आंसर है क्या ये दोनों सेम है, फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर, ये वाला आंसर और ये आंसर देखो चेक करो, 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 फिर 2 0 2 2 0 2। सो आपने नीचे लिखना है इसके हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ किया आपने, हेंस प्रूफ ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी प्लस ए जो है इसका आंसर आ जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सेवेंथ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, सेवेंथ पार्ट में लिखा हुआ है सी माइनस ए ब्रैकेट लगी हुई है और उसके बाद माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1। इसकी पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, ये वाली सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ माइनस बी आएगा और यहाँ भी माइनस बी होगा, सी माइनस बी, सी माइनस बी माइनस ए और इज इक्वल कितना होगा सी माइनस ए माइनस कितना हो जाएगा बी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, सी माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी, ओके। अच्छा इस क्वेश्चन में इस साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ ये सी माइनस बी ब्रैकेट माइनस ए, इसका मतलब पता है क्या, ये ब्रैकेट है ना इसी तरह ब्रैकेट लगा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर सी माइनस बी, सी मैट्रिक्स वहां से देखें इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख लें -1 0 0 0 -2 3 फिर 1 1 2। अच्छा उसके बाद आगे ब्रैकेट क्लोज नहीं अभी हुई, ब्रैकेट के साथ आगे साइन कौन सा है माइनस माइनस बी, बी मैट्रिक्स अब लिखे, बी मैट्रिक्स कितने हैं 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। अब ये यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाली आगे साइन कौन सा है माइनस और माइनस ए, ए मैट्रिक्स जो है वो इसी तरह से ये वाला लिख देंगे 1 और 2 और 3 फिर 2 3 1 1 -1 और 0, ये मैट्रिक्स से आ। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। आप देखिए जरा पहले हम इसको सॉल्व करने लगे, मैं इधर लिख रहा हूँ -1, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो -1 ये माइनस और माइनस का 1 आ गया, फिर आ जाएगा 0 -1 और -1 कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, फिर आ जाएगा 0 -1 फिर आएगा 0 -2 फिर -2 प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, फिर आ जाएगा 3 -2 देन 1 -3 फिर 1 -1 और फिर 2 -3, ये इसका इसको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया। अगेन ये वाला साइन एज इट इज लिखना है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। अच्छा अब बेटा इसमें से पहले माइनस करो कितना आता है, ये आ जाएगा -2 ये आ जाएगा 1 ये आएगा -1 ये -2 यहाँ 0 और यहाँ 1 और यहाँ -2 यहाँ 0 और यहाँ -1, ये कैसे आएगा आप देख लो, 1 में से 1 निकालेंगे बाकी कितना बचेगा 0, 2 में से 1 2 में से 3 नहीं निकलता 3 में से 2 बाकी -1, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो साइन माइनस का, अब 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, -2 -1 1 -2 -1 -3 फिर -2 -2
फिर 0 माइनस 3, 0 और माइनस 3, फिर 1 और माइनस का 1, ये वाला माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, ये वाला, फिर 0 प्लस 1, ये 0, ये वाला 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, फिर माइनस का 1, माइनस का 0। अब इसका आंसर लिखिए कितना आता है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आंसर आएगा इसका, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 1 में से 2 बाकी, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस का 4 और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3 और यहाँ पे कितना आएगा, 0 और फिर उसके बाद माइनस का 3 और यहाँ 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। सो ये आंसर आ गया इसका पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, ये हमारे पास आंसर नंबर 1 है। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड साइड पे लिखा हुआ है सी माइनस बी, सी माइनस बी, ये सी माइनस ए, सी माइनस ए और उसके बाद कितना लिखा है, माइनस का बी। जैसा क्वेश्चन के अंदर लिखा है ना वैसे ही परफॉर्म करते जाना है, यानी इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि पहले सी माइनस ए है तो हम पहले सी माइनस ए ही करेंगे, ब्रैकेट लगा के सी में से ए को माइनस कर देंगे। सी की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस का 1, 0, 0, फिर 0, माइनस 2, 3, 1, 1, 2 और इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, ए को, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 2, 3, 1 और फिर कितना है, 1, माइनस 1, 0 और अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गए और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का बी, यहाँ माइनस और बी मैट्रिक्स हमारे पास देखो कितना है, यहाँ पे आ गया 1, माइनस 1 और फिर कितना आ जाएगा, 1, फिर कितना आएगा, 2 और फिर माइनस का 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आएगा 3 और फिर कितना है, 1 और फिर 3, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है आंसर इसका, इसमें से कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1, 0, माइनस 2, फिर आएगा 0, माइनस 3, फिर आएगा 0, माइनस 2, फिर कितना आएगा, माइनस का 2, माइनस का 3 और फिर कितना आएगा, 3, माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा, 1, माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 0। माइनस वो वाली वैल्यू सेम एज इट इज, अभी माइनस 1, 1 और 2, माइनस 2 और 2, यहाँ 3, 1 और 3। अब बेटा इसमें से आंसर निकालो कितना आता है आंसर इसका, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 2, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, 3 में से 2, 1 बाकी 2, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस 1, 1 और फिर आएगा 2, माइनस का 2, 2, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3, 1, 3। अब माइनस करें इसमें से कितना आता है, माइनस करने पर देखो, माइनस करने पे माइनस का 2, ये वाला माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1, फिर आएगा माइनस का 3, माइनस का 1, फिर माइनस का 2 और माइनस का 2, फिर माइनस 5, प्लस का 2 और फिर आएगा 2, माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 0, माइनस 3 और यहाँ आएगा 2, माइनस 1, ये वाला 2, माइनस 1 और फिर आएगा 2, माइनस 3। अब इसका आंसर निकालिए कितना आता है, 2 में से माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3, इसका कितना आएगा, माइनस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3 और यहाँ पे 0, यहाँ माइनस का 3, यहाँ 1 और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1। अब आंसर चेक करो कि क्या ये आंसर और पहला आंसर जो आया ये वाला आंसर देखो, माइनस का 3, ये माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस 3, माइनस 3 से 0, ये सारी वैल्यूज सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नीचे इसके लिख देना है, हेंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2a ट्रांसपोज माइनस कितना, 3b ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या लिखा हुआ है यहां पे, 2, 2 और उसके साथ में कौन सा मैट्रिक्स है यहां पे, a, a मैट्रिक्स वहां से लें
माइनस वन माइनस टू, वन माइनस टू थ्री फोर, इसके ऊपर कौन सा साइन लगा हुआ है ट्रांसपोज का, यहाँ भी ट्रांसपोज लगा माइनस थ्री, इसके बाद बी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है जीरो सेवन माइनस थ्री एट, और इसके ऊपर क्या कौन सा साइन है ट्रांसपोज का। नाउ अब टू से पहले इसको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कैसे करना है, रोज को किस में कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में, वन माइनस टू थ्री एंड फोर, अब ये ट्रांसपोज हो गया माइनस थ्री, इसको भी ट्रांसपोज करें रोज को किस में कन्वर्ट कर दें कॉलम्स में, रोज को कॉलम्स में माइनस थ्री एंड एट, अब ये भी ट्रांसपोज हो गया। अब ये साथ में कितना लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, टू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, टू मल्टीप्लाई वन, टू मल्टीप्लाई थ्री, टू मल्टीप्लाई माइनस टू, टू मल्टीप्लाई फोर माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से, जीरो थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, थ्री मल्टीप्लाई सेवन, थ्री मल्टीप्लाई एट। अब इसका आंसर निकालें पहले वाले का, टू सिक्स माइनस फोर और एट, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ माइनस नाइन, ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फोर, अब कौन सा साइन है बीच में दोनों के माइनस का, सो टू माइनस जीरो, सिक्स प्लस नाइन, माइनस का फोर माइनस का ट्वेंटी वन, एट माइनस ट्वेंटी फोर, कितना आंसर आ गया, टू में से जीरो बाकी टू, सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन, माइनस का ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फोर में से एट बाकी कितना बचेगा माइनस का सिक्सटीन, सो दिस इज आंसर, ये आंसर आ गया। सेम इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट है लेकिन उसमें ट्रांसपोज नहीं करना, उसमें सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको माइनस कर देना है, इसके फर्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह से है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें जरा, ये टू लिखा हुआ है ना, इसमें टू और यहाँ टू है फोर है माइनस का थ्री और ए, यहाँ प्लस थ्री है, इसमें वन बी और ए माइनस का फोर है, और ये इज इक्वल किसके है सेवन एंड एटीन और टेन और वन के इक्वल। अच्छा बेटा ये पहले टू को मल्टीप्लाई करो, टू टू सा कितना हो जाएगा फोर, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक स्टेप हम ज़्यादा कर सकते हैं कि पहले सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग लिखें, टू मल्टीप्लाई टू फोर, टू फोर ज़र एट, टू थ्री ज़र सिक्स, और टू को ए से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया टू एट, टू टू ज़र फोर, टू फोर ज़र एट, टू थ्री ज़र सिक्स, और टू टू को ए से किया तो कितना हो गया टू ए आ गया, अब प्लस थ्री वन ज़र कितना हो गया थ्री, थ्री को बी से किया थ्री बी, थ्री एट ज़र कितना हो गया ट्वेंटी फोर, और थ्री फोर ज़र कितना हो गया ट्वेल्व, इज इक्वल सेवन एंड एटीन, टेन एंड वन सेम। ओके अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का, फोर प्लस थ्री, एट प्लस थ्री बी, माइनस का सिक्स प्लस का ट्वेंटी फोर, और टू ए माइनस का ट्वेल्व। अच्छा इसको इसमें प्लस क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ बी, इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, इसके साथ बी नहीं है इसलिए प्लस नहीं हो सकता था, इज इक्वल कितना होगा सेवन एटीन टेन एंड वन, थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन, ट्वेंटी फोर में से सिक्स बाकी एटीन, इधर आ गया एट प्लस थ्री बी, और इधर आ गया टू ए माइनस ट्वेल्व, इज इक्वल किसके है सेवन एंड एटीन और टेन एंड वन। अब देखो पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेम सेम वैल्यूज है, तो सेकंड कॉलम के फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी है एट प्लस थ्री बी, वो किसके इज इक्वल आएगा टेन के, और टू ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल किसके रख लेते हैं वन के, यानी फर्स्ट कॉलम के इक्वल, सेकंड कॉलम के इक्वल हो गए। अच्छा इसमें से थ्री बी इज इक्वल टू टेन माइनस एट, ये एट उधर जाके माइनस हो गया और इधर आ गया टू, बी की वैल्यू टू बाय थ्री, सो हमारे पास बी की वैल्यू टू बाय थ्री, इधर से टू ए इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेल्व हो गया, टू ए इज इक्वल टू थर्टीन और ए इज इक्वल टू थर्टीन बाय टू, सो ये हमारे पास आंसर आ गया ए और बी की वैल्यूज। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था मल्टीप्लाई करके, उसके बाद उनकी वैल्यूज निकालनी थी ए और बी की। ये इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर एट थर्ड पार्ट, क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, ए प्लस ए ट्रांसपोज, आगे क्या लिखे सिमेट्रिक, ए प्लस
ए ट्रांसपोज, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज में पहले हम लिखेंगे ए 1 2 0 1, फिर प्लस दोबारा से क्या लिखेंगे ए, ए मैट्रिक्स को दोबारा से, लेकिन अब की बार इसके ऊपर क्या लिखेंगे ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। अब 1 2 0 1 प्लस इसका बेटा ट्रांसपोज ले लो 1 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये देखो रॉस किस किस में चेंज हो गई है, कॉलम्स में चेंज कर। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस कर दिए इनको 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, कितना आ गया आंसर, आ गया 2 2 2 और 2, ठीक हो गया। अच्छा ये आंसर आ गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का। अब ये प्रूव करना है कि ये सेमेट्रिक है। सेमेट्रिक का फॉर्मूला होता है, सेमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर अगर एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो वो किसके इक्वल हो, वो क्या बन जाता है, वो सेमेट्रिक होता है। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ये वापस यही मैट्रिक्स बन जाता है तो फिर क्या होगा, ये सेमेट्रिक होगा। अब चेक करते हैं, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसको ट्रांसपोज कर दो, अब रोज को कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो, देखो ये वापस वही आंसर आया, वही आंसर आ गया वापस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ लिखना है हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया कि जो प्रूव ये हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या है, सिमेट्रिक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक क्योंकि उसका आंसर वही आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही आंसर। b माइनस बी ट्रांसपोज, ये सिक्स पार्ट है इसका, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है कि जो a ट्रांसपोज का आंसर है वो माइनस a के इक्वल आना चाहिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू में माइनस के इक्वल आता है और जो सिमेट्रिक है उसमें इक्वल टू a आता है, यानी वही वैल्यू वापस आती है। तो अब इसको प्रूव करते हैं, पहले हम निकालेंगे b माइनस बी ट्रांसपोज, b में से b को ट्रांसपोज को माइनस करेंगे, पहले b की वैल्यू लिखते हैं 1 1 2 0 माइनस दोबारा से 1 1 2 0, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे ट्रांसपोज 1 1 2 0 माइनस, इसको ट्रांसपोज कर दो, रॉस को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स में 2 0 यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस करें 1 में से 1 1 में से 2 2 में से 1 0 में से 0, कितना आंसर आ गया 0 माइनस 1 1 और 0, ये हमारे पास आंसर आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज का, बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये फॉर्मूला है कि स्क्यू सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी हमारे पास फॉर्मूला है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। अब करते क्या है इसका दोबारा से, इसका क्या लेते हैं, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने पर देखो क्या बन गया, ये रॉस किस में चेंज हो गए, कॉलम्स में, कॉलम्स किस में चेंज हो गए, रॉस में। अब ये आंसर देखो जरा कितना आया, 0 का 0, ये क्या साइन लिखा हुआ है, और यहाँ क्या है प्लस 1, ऑपोजिट साइन आ गया, यहाँ क्या लिखा है साइन माइनस, और यहाँ क्या लिखा है प्लस, ये भी ऑपोजिट हो गया, और ये 0 एंड 0। इसका मतलब है कि ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, सो इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूव हो गया।